पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा से एक ऐसा माध्यम रहा है जिस पर देश और दुनिया की आधी आबादी निर्भर रहती है। इसलिए आए दिन सभी देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को आधुनिक बनाने में लगे रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक जाने माने और काफ़ी पुराने वाहन टेम्पो हैंडसेट के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। 70 के दशक के बाद आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेम्पो हैंडसेट का इतिहास बेहद शानदार है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं टेम्पो हैंडसेट के सफ़र पर और जानते हैं इसके शानदार इतिहास को। इस गाड़ी का निर्माण जर्मनी की एक कंपनी टेम्पो द्वारा किया गया था। कंपनी ने इसे टेम्पो हैंडसेट नाम दिया। हैंडसेट एक तीन पहिए वाली मोटरसाइकिल थी जिसमें सामने की तरफ एक छोटा सा लोड बे था। समय के साथ लोड बे पीछे की तरफ स्थानांतरित हो गया, लेकिन तीन पहिए वाली व्यवस्था यथावत रही। भारत में टेम्पो हैंडसेट का निर्माण फिरोजा की कंपनी बजाज टेम्पो द्वारा किया गया था। भारत में इसका निर्माण मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया था। यह टेम्पो 80 और 90 के दशक में एक चर्चित पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन था। भारत में इस टेम्पो को बहुत से नामों से बुलाया जाता था। कहीं इसे कौवा तो कहीं इसे गणेश नाम से बुलाया जाता था। इस गाड़ी का निर्माण पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि गुड्स कैरियर के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे मॉडिफाई करके बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, टेम्पो हैंडसेट को दो इनलाइन सिलेंडर और 396 cc के टू स्ट्रोक इंजन के साथ पेश किया गया था। इसका इंजन 4500 rpm पर 15 bhp का उत्पादन करता था। इसमें चेन ड्राइव व्यवस्था के जरिए सामने के पहिए में 4-speed गियरबॉक्स के माध्यम से बिजली का संचार किया गया था। इसके इंजन में कोई स्टार्टिंग मोटर नहीं थी, बल्कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसके इंजन में रस्सी बांधकर उसे जोर से खींचा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह टेम्पो बहुत उपयोग में लिया जाता था। तो दोस्तों, यह था टेम्पो हैंडसेट का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भी टेम्पो हैंडसेट में सवारी का आनंद लिया है या इसको देखा है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।